इंदौर में भू माफिया के निर्माण पर जिला प्रशासन के निर्देश पर बुलडोजर चला। भू माफिया इस्लाम पटेल के अवैध निर्माण को निगम के बुलडोजर ने ध्वस्त किया है। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्यवाही हुई। आपको बता दें, SGM अंकुश खरे और नगर निगम टीम सहित पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। कलेक्टर इलैया राजा के निर्देश पर आज सुबह कार्यवाही हुई। भू माफिया पटेल के आलिशान फार्म हाउस पर स्विमिंग पूल सहित ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। करीब 25,000 स्क्वायर फीट पर आलिशान फार्म हाउस बनाया गया था। भूमाफिया इस्लाम पटेल खजराना क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध कॉलोनियां काटता है। आपको बता दें, महापौर पुष्प प्रिय भार्गव ने कहा कि भूमाफिया नहीं बख्शे जाएंगे। अवैध रूप से ज़मीन पर कब्जा करने वाले, नगर निगम की ज़मीनों पर कब्जा करने वाले, सरकार की ज़मीन पर कब्जा करके अवैध रूप से किसी भी प्रकार के कार्य को संचालित करने वाले जो भू माफिया हैं, उनके खिलाफ इंदौर नगर निगम का अभियान चालू है। परसों हमने GNT मार्केट में जो 6 दुकानों बनाकर कब्जा किया था, नगर निगम की ज़मीन को उससे मुक्त कराया है। आज भू माफिया इस्लाम पटेल ने जो स्टार चौराहे पर कब्जा किया था, उसको भी तोड़कर ज़मींदोज किया है। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। अवैध कॉलोनाइजेशन, अवैध कब्जा अब नए तरीके से इंदौर में नहीं होंगे, और जो कॉलोनियों पे लोग रह रहे हैं उनके वैध करने की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है। प्लॉट बना काट काट के सरकारी जमीन पर बेचे जा रहा था, तो आगे किस तरह? अवैध रूप से कॉलोनी काटने की FIR शिकायत वो भी की जाएगी। नई अवैध कॉलोनियाँ न बने, जो बनी हैं उसमें बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको वैध करने का काम नगर निगम बहुत तेज़ी से चालू रखे हुए है।